वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। आज फिर एक बार कोरोना की वापसी को लेकर बिहार में केंद्र की नई गाइडलाइन पर हम यहां पर आप लोगों को खास जानकारी देने के लिए आए हैं। तो यहां पर आज इस वीडियो में अंत तक बने रहे, जानिए यहां पर कि बिहार में केंद्र ने कौन सी नई गाइडलाइन भेजी है और ख़ासकर यहाँ पर क्या सतर्कता बरती जाने की बात कही गई है। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल न्यूज़ लेकर आते हैं। आइए आपको बताते हैं यहाँ पर कि देश में कोरोना की वापसी को देखते हुए सतर्कता बहुत जारी है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन हालात अभी भी नियंत्रण में है। इसलिए 1 अप्रैल से बिहार में केंद्र की नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। यहाँ पर गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के इलाकों में पाबंदी संभव है, लेकिन अब पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर केंद्र ने भी पूरा फैसला दे दिया है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। जिस इलाके में कोरोना संक्रमित मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और वहीं पर पाबंदियां रहेगी, लेकिन उसके बाहर सभी तरह की गतिविधियां होती रहेंगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस RT-PCR टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने के साथ साथ नए के सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करने या क्वारंटाइन करने को कहा गया है, और जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले आएंगे वहां असरदार तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। केंद्र की यह नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है, तो बाहर से आने वालों की टेस्टिंग लगातार की जा रही है, और 1 अप्रैल से राज्य में 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। शुक्रवार को पटना में 66 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके पहले 26 जनवरी को 65 मरीज मिले थे। बीच के दिनों में इससे कम मरीज मिल रहे थे। जिले में पॉजिटिव की मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी 418 एक्टिव केस पटना मौजूद हैं और 29 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन अब पूरे राज्य में नहीं लगेगा, सिर्फ कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार किया गया है। यानी कि जिन जिन जगह पर यहाँ पर कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाकर उसे लॉकडाउन किया जा रहा है। तो कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, और कोई भी ऑथेंटिक खास अपडेट के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।